हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनकी एक फ्रेंड मर जाती है, उसके बाद इनके साथ अलग अलग हादसे होने लग जाते हैं। इस मूवी में लास्ट का जो ट्विस्ट आता है वो बहुत ही खतरनाक है, तो पूरी वीडियो में बनी रही है। आज की मूवी का नाम है डेड फ्रेंड, इसका और एक नाम है द घोस्ट। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और कुछ लड़कियां हमें दिखती है। इन लड़कियों ने घोस्ट का बोर्ड लाया होता है, जैसे ओजा बोर्ड होता है उसी तरह से यह बोर्ड होता है। इसमें से एक लड़की जिसका नाम होता है एलिना, वो इन दो लड़कियों को समझा रही होती है कि इस बोर्ड में क्या हो रहा है। ये लड़कियां एलिना से पूछती है कि इस बोर्ड में क्या हम भूत को देख सकते हैं। एलिना कहती कि नहीं, अगर भूत तुम्हारे सामने भी आ गया फिर भी तुम इसे नहीं देख सकते। एलिना फिर कहती है कि तुम उससे बात कर सकते हो। ये दोनों लड़कियां फिर भूत से क्वेश्चन पूछती है कि तुम इस वर्ल्ड में क्यों आए हो। इस बोर्ड से इन्हें पता चलता है कि इसके आने का रीजन रिवेंज है। इसके बाद ये पूछती है कि ये कहाँ है, तो डोर के यहाँ पॉइंट हो जाता है। इसके तुरंत बाद डोर ओपन हो जाता है और ये तीनों लड़कियां डर जाती है। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। जब ये पास आती है तो ये एलिना की सिस्टर होती है। इस पर हंसने लग जाती है। एलिना की सिस्टर इन पर चिढ़ गई होती है, ये क्या कर रही है, इससे वो नाराज होती है। एलिना की सिस्टर एलिना को कहती है कि अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मदर को मैं बता दूंगी, जल्दी से अब सो जाओ, तुम्हारी एंट्रेंस है, इसके लिए भी तुम्हें पढ़ना है। ये कहकर फिर वो चली जाती है। एलिना अपनी सिस्टर पर चिढ़ गई होती है, अपने फ्रेंड को कहती है कि इसे नींद नहीं आती, हमें भी ये कुछ भी नहीं करने देती है। एलिना की सिस्टर फिर किचन में जाती है। किचन में जाने के बाद जो सिंक होता है उसका नल बंद नहीं हो रहा था। सिंक के पास जाकर जब वो पानी निकालती है तो उसका जो ढक्कन होता है वो ऊपर आ जाता है। इस ढक्कन के नीचे बहुत सारे बाल होते हैं। यही देखकर डर जाती है। सिंक से ऊपर पानी आने लग जाता है। पानी नीचे गिरकर इसके पैर तक आ जाता है और अब इसके बॉडी में घुस जाता है। जो पानी इसकी बॉडी में गया था ये पूरा इससे मुंह से निकल रहा है, जैसे इसे उल्टी आ रही है, पर ये पानी की उल्टी होती है। एलिना की सिस्टर अब मर जाती है। इसके बाद टाइटल रोल होता है और हमें अब मेन दिखाई गई है। मेन जो है ये हमारा मेन कैरेक्टर है। ये स्विमिंग लेसन लेते हुए हमें दिखती है। इसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम पार्क होता है। पार्क मेन को स्विमिंग पूल में ढूंढ रहा होता है, तो मेन पीछे से आती है और इसे ढकेल देती है। इसे तैरना नहीं आता तो फिर से इसे खुद ही बचा लेती है। ये पार्क का मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि तुम तो आर्मी में थे पर फिर भी तुम्हें तैरना नहीं आता। पार्क कहता है कि वहां मैं हलवाई था, मुझे ये सब नहीं आता। ये कहता है कि तुम हमेशा स्विमिंग पूल में होती हो इसलिए तुम्हें आता है, मैं स्टडी में माहिर हूँ। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। इसके बाद हमें ये दोनों क्लासरूम में दिखाए जाते हैं। मीन जब क्लासरूम में होती है तब एक लड़की उसे बाहर से फोटो ले रही है, ऐसा उसे दिखता है। इनकी जब क्लास खत्म हो जाती है तब पार्क बाहर खड़ा हुआ होता है, वो अलग अलग जॉब्स देख रहा होता है। मीन उसे कहती है कि तुम अभी से क्यों जॉब ढूंढ रहे हो, अभी तो तुम्हारे लिए 2 साल है। पार्क कहता है कि इतने ज्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं है, मुझे अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। पार्क को बुरा लग रहा होता है क्योंकि मीन उसे छोड़कर अब जाने वाली होती है। मीन अपनी आगे की ग्रेजुएशन करने के लिए अलग सिटी में जाना चाहती है। ये इससे पूछता है कि क्यों तुम ये सब छोड़कर जाना चाहती हो, तो वो सेल्फिश समझता है। ये कहती है कि मैं खुद बेटर होना चाहती हूँ इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। इसके बाद यहाँ से निकल जाती है और डॉक्टर के पास हमें दिखाई गई है। यहाँ हमें पता चलता है कि मीन की जो याददाश्त है ये सब चली गई है, इसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर इसे समझाता है तुम्हारी जो याददाश्त है ये कभी भी वापस आ सकती है, पर इसके लिए तुम्हें अपनी जो मेडिसिन है ये सही से लेते रहना है। इसके बाद ये रात में जब घर वापस आती है तो इसकी मदर इसके डैड की फोटो के सामने बैठी हुई होती है। इसकी मदर और ये अकेले ही रहते हैं। जब ये छोटी थी तभी इसके फादर मर गए थे। आज ये लेट हो चुकी है। उसकी मदर ने उसे कहा था कि वो जल्दी वापस आ जाए, पर ये लेट हो चुकी है, तो इसकी मदर इस पर बहुत ही अपसेट है। ये कहती है कि तुम फिर से भूल गए, मैं अकेली हूँ, तुम्हारे फादर जाने के बाद मैं बहुत ही अकेली हो चुकी हूँ, पूरे दिन भर मुझे इस घर में अकेला रहना पड़ता है और तुम अब यहाँ से जाने वाली हो। तुम्हारे फादर और मैंने दोनों ने मिलकर तुम्हारी परवरिश की और जब तुम अब बड़ी हो चुकी हो तब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मीन कहती है कि मैं मेरे खुद के लिए जाना चाहती हूँ, मेरी याददाश्त चले जाने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये जो लाइफ है इसमें मुझे सब जानते हैं पर मैं किसी को भी पहचान नहीं पाती। अगर मैं कहीं नए शहर गई तो वहाँ एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकती हूँ। अपनी मदर को कहती है कि तुम्हें अपनी लाइफ जीना स्टार्ट कर देना चाहिए। मीन की जो मेमोरीज होती है ये थोड़ी थोड़ी वापस आती रहती है। इसे पार्क में वो और उसकी फ्रेंड खेल रही है ये दिखता है। नेक्स्ट दिन जब ये स्विमिंग पर जाती है, जब अपना लॉकर खोलती है तो वहाँ एक छोटी लड़की छुपी हुई होती है। ये इसे देखकर डर जाती है। इसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये छोटी लड़की कहती है कि मेरी फ्रेंड से मैं छुप रही हूँ, हाइड एंड सीक खेल रही है। वो मीन को लॉकर बंद करने के लिए कहती है। मीन लॉकर बंद कर देती है पर थोड़ी देर बाद उसे कहती है कि मुझे मेरे सब क्लॉथ्स वगैरह निकालने हैं। ये लड़की अंदर से कुछ भी जवाब नहीं देती। जब खोलती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। इसे समझ में नहीं आता कि इसने क्या देखा था। अपने फ्रेंड को यह सब समझाती है पर इसे कुछ भी बिलीव नहीं हो रहा होता। इसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ कुछ आभास हुआ होगा। जब मीन और पार्क घर जा रहे होते हैं तब वहाँ और एक फ्रेंड उसकी उसे दिखती है। इसका नाम होता है जेनी। जेनी के पास आकर फिर मीन बैठ जाती है। मीन को कुछ भी पता नहीं है तो जेनी फिर उसे बात करती है। जेनी उसे कहती है कि तुम्हारे फादर के जाने के बाद किसी को तुम हिट कर सको ऐसा तुम्हें कोई चाहिए था। वो फिर अपने फ्रेंड्स की और उसकी फोटो उसे दिखाती है। मीन अब इंटरेस्टेड हो जाती है। मीन कहती है कि जो एक्सीडेंट हुआ था इसके बारे में तुम्हें पता होगा। इसी एक्सीडेंट में मीन की सब याददाश्त चली गई थी। जेनी फिर कहती है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जेनी उसे कहती है कि हमारी एक फ्रेंड थी, वो अलग अलग चीजें देख रही थी, थोड़े ही दिन बाद वो मर चुकी है। जेनी मीन से कहती है क्या तुम्हें भी ऐसी कुछ चीजें दिख रही है। जेनी को लग रहा होता है कि मीन भी डेंजर में है क्योंकि उसने मीन को सपने में देखा होता है। सपने में मीन ने कोई भी मेकअप नहीं लगाया होता। जेनी उससे कहती है कभी भी बिना मेकअप लगाए तुम घर से बाहर नहीं निकलती थी। मीन जब पार्क के साथ डिनर कर रही होती है तो उससे पूछती है कि अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरा पास्ट क्या है और जिस प्रेजेंट में रह रही हो तो इसमें से क्या सही है, किस तरह मुझे जीना चाहिए, क्या पास्ट जानना सही में राइट हो सकता है। अपनी जो आइडेंटिटी है इसको लेकर अब वो बहुत ही परेशान होती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जेनी अपने फ्रेंड के साथ है। अपने फ्रेंड को बोल रही होती है कि उसके साथ रुके। उसके फ्रेंड की एक डेट होती है। जब ये अकेली होती है तो फोटोज प्रिंट करने के लिए डार्क रूम में आ जाती है। वो आने के बाद इसे लगता है कि यहाँ कोई है। अंधेरे में जब ये देखती है तो वहाँ एक लड़की होती है। इसके पूरे बाल उल्टे होते हैं, एक डायन की तरह ही लग रही होती है। ये देखकर बहुत ही डर जाती है, ये चीखने चिल्लाने लग जाती है। ये सीन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि खाना खाकर पार्क और मीन दोनों घर जा रहे हैं। पार्क इसे एक नेकलेस ला कर देता है। मीन उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। पार्क कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ ये अच्छा लगा इसीलिए मैंने इसे बाय कर लिया। मीन उसे कहती है मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ फ्रेंड्स रहना है। पार्क भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद मीन जब घर आती है तो उसकी मदर उसके पास आती है। उसकी मदर उसे कहती है कि इतनी देर तक तुम बाहर रहे, अपने आप का तुम ख्याल रखा करो। ये पीकर आई है। इसके मदर को पता चल जाता है तो कहती है कि खाली पेट मत पिया करो। मीन को उसकी मदर का बर्ताव बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि कल वो आई थी तो उस पर वो बहुत ही चिढ़ गई थी। मीन की मदर इसका नेकलेस देखती है, इसके बारे में पूछती है तो ये कहती है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है। नेक्स्ट दिन जब आता है तो मीन की मदर बहुत सारा खाना पकाती है। मीन जब ये ट्राई करती है तो इसे थोड़ा भी पसंद नहीं आता। मीन जो नेकलेस उसका होता है ये अपनी मदर के पास देती है। मीन की मदर को ये रियलाइज होता है। ये कहती है कि तुम्हारा नेकलेस बहुत ही प्रीटी था, थोड़ी देर तक मुझे पहनकर देखना था। मीन कहती है कि तुम्हारे ऊपर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, तुम रहने दो। इसकी मदर फिर खुश होती है। मीन और पार्क अब थिएटर में आए हुए होते हैं। पार्क उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें जो नेकलेस दिया था वो तुम क्यों नहीं पहन रही। मीन इसके लिए कुछ भी नहीं बोलती। मीन जब मूवी देख रही है तभी जेनी को जो डायन दिखी थी यही इससे भी दिखती है। ये इसके पास आ रही है और इसके हाथों से पानी आ रहा है, ये सब उसे दिखता है। इससे बहुत ही डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद ये थिएटर से निकल जाते हैं। ये अपने फ्रेंड को सब कुछ समझा रही होती है कि उसने क्या देखा था। पार्क कहता है कि मुझे और तुम बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हारे साथ एज अ फ्रेंड में रह रहा हो ये मेरे लिए डिफिकल्ट है और इसे डिफिकल्ट मत बनाओ। मीन जब आगे चलने लग जाती है तो वहाँ पुलिस आती है। जेनी मर चुकी है, इसकी खबर उसे दी जाती है। मीन ये सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। जिस स्कूल में वो थी, जिस स्कूल की उसकी सब फ्रेंड्स थी, वहाँ वो आ जाती है। यहाँ आने के बाद उसे कुछ कुछ याद आने लग जाता है। यह अपने आप को अपने फ्रेंड के साथ देखती है। इसके बाद उसे याद आता है कि स्कूल में वो जब थी तो उनकी और एक फ्रेंड थी, इसका नाम था सुइन। इसे वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ देते थे, इसका वो डिब्बा गिरा देते थे, इससे अच्छे वो बात नहीं करते थे, इसे वो बहुत ही बुली करते थे। मीन पार्क को कहती है कि जो मेरी फ्रेंड मर गई है, मैं उसे नहीं जानती पर फिर भी वो मेरी फ्रेंड थी, मुझे उसकी फ्यूनरल पर जाना पड़ेगा। जब ये अपने फ्रेंड के फ्यूनरल पे पहुंचती है तो वहाँ एलिना भी होती है। एलिना वही है जिसकी सिस्टर मूवी के फर्स्ट में मर गई थी। इसके पास आती है और चिढ़ गई होती है। ये कहती है यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये इसे स्लैप कर देती है। इसके बाद फिर मीन वहाँ से निकल जाती है। जब मीन रात में सोई हुई होती है तो उसके साइड में कोई है ऐसा उसे लगता है। खड़ी हो जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अपनी पुरानी ईयरबुक जो होती है ये फिर रात में वो देखती है। अपनी फ्रेंड एलिना का पता उसे चाहिए होता है। ये उसके घर पहुंच जाती है। एलिना जब आती है वो कहती है कि तुम अलग शहर में जाने वाली हो, या तुम्हें सचमुच में लगता है कि अलग शहर में तुम चली गई तो तुम अपना पास बदल सकती हो। मीन उससे गिड़गिड़ाती है। वो कहती है कि प्लीज मेरे पास्ट के बारे में मुझे बता दो। एलिना फिर उसे बताती है कि वो सुइन को बहुत ही बुली करती थी, ये किसी से भी अच्छे से पेश नहीं आती थी। इसकी और एक जो फ्रेंड है ये भी मेंटल हॉस्पिटल में चली गई है। एलिना को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, वो रोने लग जाती है। वो कहती है कि ये जो घोस्ट है इसे मैंने ही बुलाया है, मेरी सिस्टर भी मेरी वजह से मर गई है। ये रोने लग गई है तो मीन उसे सहारा देती है। मीन उससे कहती है ये जो सब हो रहा है ये कोई घोस्ट वगैरह नहीं है। मीन वहां से चली जाती है। मीन स्विमिंग पूल में होती है, एक हाथ आता है और उसे नीचे लेकर जाता है। ये बहुत ही स्ट्रगल करती है ऊपर आने का, पर ये आ नहीं पाती। इसका फ्रेंड पार्क भी वहां होता है। पार्क इसे अब यहाँ से बचा लेता है। ये दोनों बाहर आने के बाद पार्क इसे कहता है कि जो सब हो चुका है इसे तुम भूल जाओ। मीन कहती है कि तुम्हें क्या पता क्या हुआ है, तुम्हें सचमुच में तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता है, तुम मुझे बता नहीं रहे। अब ये पार्क पर चिढ़ जाती है और वहां से चली जाती है। इसकी जो फ्रेंड थी जो पागल हो चुकी थी वो अब इसके पास आ जाती है। मीन उससे कहती है कि हम स्कूल में फ्रेंड्स हुआ करती थी। ये पागल लड़की कहती है कि हम फ्रेंड्स नहीं थी, तुम अमीर थी, इसका हम एडवांटेज ही लेते थे। मीन कहती है कि हम सब कुछ ना कुछ तो देख रहे हैं, क्या तुम्हारे सपने में भी कोई है? ये पागल लड़की कहती है कि सुइन मुझे दिख रही है, वो हम सबको मारना चाहती है। इसके बाद ये लड़की बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है, ये मीन का गला दबाने लग जाती है। तभी सब लोग आ जाते हैं और मीन को बचा लेते हैं। मीन दुखी होकर ही घर आती है। जब उसकी मदर वहां होती है तो उसे वो गले लगाती है। वो कहती है कि इस तरह दुखी मत हो, तुम अगर दुखी होगी तो मैं भी दुखी हो जाऊंगी, तुम अच्छे से ख्याल रखा करो। मीन फिर अपने बचपन की जो फोटोज होती है ये वो देखती है। यहाँ उसे सुइन दिखती है, उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। रात में जब ये शावर ले रही होती है तब तो उसे लगता है कि एक जगह वो चल कर जा रही है, इसे पानी पड़ा हुआ दिखता है। पानी को फॉलो करते करते वो जंगल में आ जाती है। यहाँ पर एक छोटी लड़की उसके पास आती है, उसे कहती है कि छुप जा वरना वो तुम्हें देख लेगी। चुड़ैल फिर उसे यहाँ दिखती है, ये उसके पास आ जाती है, उसका गला दबा रही है। ये उसे दिखता है ये शावर लेते हुए ये सो गई थी, इसके सपने में ये सब उसे दिख रहा था। इसे फिर सुइन के साथ उसकी मेमोरी याद आती है। इसे वो कह रही होती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूंगी, बचपन में अच्छी फ्रेंड थी और उसके बाद ये उसकी फ्रेंड नहीं थी। फिर से जब ये बड़ी हो गई तो इसकी वो फ्रेंड बनेगी, ऐसा उसे बोल रही थी। जब मीन सुइन की फ्रेंड बन गई तो अपने अलग फ्रेंड के साथ जब ये थे तो इसकी इंसल्ट इसने की थी। अब इसे जब सब कुछ याद आने लग गया है तो अपने आप को ये हेट करने लग जाती है, शीशे को ही वो तोड़ देती है। मीन को सुइन के बारे में बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि सुइन भी मर चुकी है, तो इसकी मदर के पास हो जाती है। सुइन की मदर इससे कहती है कि सुइन की तुम बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, उसकी और कोई भी फ्रेंड नहीं थी, वो तुम्हें बहुत ही पसंद करती थी, उससे ज्यादा तो तुमसे ही वो प्यार करती थी, उसे तुम्हें घर बुलाना था पर उसने कभी ये नहीं किया, तुम बहुत ही अमीर थी और हमारा घर कैसा है। सुइन की मदर रोने लग जाती है। सुइन की मदर कहती है कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, ये मुझे सवाल आता है। मीन को अपनी मेमोरी में याद आता है कि सुइन के साथ वो स्टैचूज बना रही है, उसका सिर्फ वो फायदा उठा रही है, उसके प्रोजेक्ट के लिए उसे हेल्प चाहिए तो इसकी वो मदद लेती है। यानी कि जब भी उसे काम चाहिए था तो उसकी वो मदद लेती थी, उसकी फ्रेंड बन जाती थी, जब काम खत्म हो जाता था वो फ्रेंडशिप तोड़ देती थी। रात में मीन का फ्रेंड पार्क उसे मिलने के लिए आता है। वो मीन को एक स्टैचू दे देता है, जो सुइन के साथ मीन ये बना रही थी ये वही स्टैचू है। मीन कहती है कि तुम्हें सचमुच में कुछ तो पता है, तुम मुझे पता नहीं रहे। पार्क कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तुम्हारी यादाश्त चली गई थी, जब तुम कॉलेज में आई थी तब मुझे एज अ गुड लक तुमने दिया था। पार्क मीन को समझाने के लिए कहता है ये जो सब हो रहा है ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, तुम ज्यादा इसमें टेंशन मत लो। मीन कहती है कि कोइंसिडेंस मुझे नहीं लगता, जो सब मेरे फ्रेंड्स के साथ हो रहा है ये मेरे साथ भी हो रहा है, मेरी एक फ्रेंड पागल हो चुकी है। मीन कहती है कि मुझे अब उसे मिलने जाना है। ये दोनों मिलकर पागल खाने इसे मिलने के लिए जा रहे होते हैं, तभी इसकी जो फ्रेंड है इसको भी वो भूत दिखने लग जाती है। इसका बेड पानी में कन्वर्ट हो जाता है, डूब कर ये मर जाती है। जब मीन वहां पहुंचती है तो इसकी डेड बॉडी इसे दिखती है। यहाँ पर कुछ भी पानी वगैरह नहीं होता, फिर ये डूब कर ही मरी हुई होती है। मीन फिर पुलिस कंप्लेंट देने के लिए पुलिस के पास जाती है, जो सब इसके साथ हो रहा है ये सब उन्हें बताती है। पुलिस इस पर बिलीव नहीं करती और अपना टाइम वो वेस्ट ना करे ये कहकर उसे भगा देते हैं। पार्क फिर मीन के साथ बैठा हुआ होता है तो उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना है। मीन कहती है कि सुइन मेरा वेट कर रही है, उसके पास मुझे जाकर मुझे क्या कहना चाहती है ये मुझे सुनना है। जिस जगह पर मीन का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ वो पहुंच जाते हैं, तभी भी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मीन पार्क से पूछती है हम दोनों कैसे मिले थे। पार्क कहता है कि तुम्हारे फादर जब मर गए थे तो तुम्हें कंसोल करने के लिए मैं आया था, उसके बाद मेरा नंबर तुमने कहीं से ले लिया और तुम मुझे कॉल करने लग गए, इसके बाद हमारी अच्छे से फ्रेंडशिप हो गई। तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे लिए मुझे एक अच्छा सा नेकलेस लाना है, इसीलिए मैंने वो तुम्हें नेकलेस दिया था। थोड़ी देर बाद मिन को कुछ याद आने लग जाता है। जिस जगह पर वो आए हैं ये लेक के पास है। यहाँ पर वो ट्रिप के लिए आने वाले थे। मिन के साथ उसकी कुछ फ्रेंड्स भी थी। यहाँ पर सुइन भी उनके साथ जाना चाहती थी। मिन इसके लिए मना कर रही थी। इसके फ्रेंड ने इसे समझाया कि हमारे बैग्स वगैरह पकड़ने के लिए ये अच्छी है, इनके फोटोज भी ये निकाल सकती है। मिन ने फिर सुइन को उनके साथ आने के लिए परमिशन दे दी। जब सुइन इनके पास आ गए तो सुइन को भी बहुत सारे फोटोज इन्होंने निकालने के लिए कहा। एज अ फ्रेंड इन्होंने कभी इसे ट्रीट नहीं किया। जब सुइन लेक के पास थी तब मीन उसके पास गई। इसे पूछा कि क्या तुम्हें तैरना आता है। उसे ढकेल दिया। सुइन को तैरना आता था। वहाँ मीन की जो दूसरी फ्रेंड्स थी वो भी आ गई। ये सब सुइन पर हंसने लग गए। मीन इनके आगे थी तो मीन को भी इन्होंने ढकेल दिया। मीन को तैरना नहीं आता था, ये डूबने लग गए। मीन को बचाने के लिए सुइन उसे हेल्प कर रही थी। सुइन ने अंडर वाटर मीन को सपोर्ट दिया जिससे वो ऊपर आ सके। जब सुइन मीन को मदद कर रही थी तभी इसका पैर नीचे अटक गया। उसने मदद के लिए मीन का हाथ पकड़ा पर मीन ने उसकी मदद नहीं की। इसका हाथ सुइन ने पकड़ा था तो मीन के हाथ में इंजुरी भी हो गई थी। मीन को अब पता चल चुका है कि सुइन नीचे ही मरी हुई पड़ी है। मीन अब पानी में कूद जाती है। पानी में कूदने के बाद सुइन की जो डेड बॉडी है उसे वो बाहर निकाल लेती है। यहाँ पुलिस वगैरह आ जाती है और जो सब हुआ है ये उन्हें सब कुछ बता देती है। पार्क पुलिस से पूछता है कि क्या मीन इससे ट्रबल में आ सकती है। कहती है कि कोई भी ट्रबल में वो नहीं आएगी। पूरा सच इन्होंने इन्हें नहीं बताया है। सुइन की मदर भी यहाँ आती है, वो भी रोने लग जाती है। इसे मीन फिर सहारा देती है। पार्क मीन को घर छोड़ने के लिए आता है। वो कहता है कि अब तुम्हें जो भी सब हुआ था ये पता चल चुका है। अब तुम सही से अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकती हो, अलग जगह पर तुम जा सकती हो। मीन कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं कहीं अलग जगह चली जाऊँ। पार्क कहते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं चाहता पर तुम्हें ऐसा लगता है। मीन घर में आने के बाद मीन की मदर उससे कहती है कि कहाँ तुम थी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मीन कहती है कि अब मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहने वाली हूँ। अपनी मदर को हक कर लेती है। मीन कहती है कि अब ये जो सब था ये खत्म हो चुका है, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मीन की मदर का आवाज बदल जाता है। ये कहती है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हो गई है। मीन बहुत ही डर जाती है। मीन की मदर एक अलग आवाज में बोलती है। वो कहती है या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मैं हो, तुम मुझे बहुत ही डिस्गस्टिंग लगती हो। मुझे तुम्हारी दया आ गई थी इसलिए मैं तुम्हारी फ्रेंड बन गई थी। तुम्हें क्या लगा कि क्या तुम मेरी बॉडी में हमेशा से रह सकती हो। मैं हर रात तुम्हें तंग करती थी, यानी कि तुम्हारी बॉडी फिर से मुझे मिल जाए, यानी कि जिस बॉडी में तुम रह रही हो वो मेरी बॉडी मुझे फिर से मिल जाए। यहाँ हमें पता चलता है कि मीन के बॉडी में जो रह रही है ये सुइन है। जो मदर हमें दिखाई गई है उसके बॉडी में एक्चुअल में मीन रह रही है। जब पानी में दोनों ड्राउन हो चुके थे तब वे दोनों मर गए थे। सुइन की हमेशा से इच्छा थी कि वो मीन की तरह बन जाए। मरने के बाद वो मीन के बॉडी में चली गई। जब वो ऊपर आई तो वो सुइन थी पर ये मीन की बॉडी में थी। सुइन की याददाश्त चली गई थी क्योंकि ये मीन की बॉडी में है। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था कि एलिना ने घोस्ट पुकारा है। यह जो घोस्ट था ये मीन का था। मीन की सोल अब बाहर आ चुकी थी। इसने जब देखा कि सुइन ने उसकी बॉडी ले ली है तो मीन की मदर में ही घुस गई। अब मीन के बॉडी में जो सुइन है इसे सब कुछ याद आने लग जाता है। इसकी जो सब आदतें हैं ये अलग है। मदर ने मीन को कहा था कि अपने आप का तुम ख्याल रखना, अगर तुम हर्ट होगे तो मैं भी हर्ट हो जाऊंगी। अब इसका मतलब इसे पता चलता है। मदर की बॉडी में मीन कहती है कि तुम बहुत ही पैथेटिक हो, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ही सफर करना पड़ा। मदर की बॉडी से मीन बाहर निकलती है। जो चुड़ैल हमें दिखाई जा रही थी ये मीन ही थी। ये अब सुइन की बॉडी के पास आती है। ये इसे कहती है कि मुझे अब मेरी बॉडी वापस चाहिए। मीन के बॉडी में सुइन जो होती है एक बात से टकरा जाती है। मीन की बॉडी में सुइन कहती है पूरी लाइफ में मुझे तुम्हारी जैसे ही बनना था, मैं कभी भी बन नहीं पाई। तुम हमेशा मुझे तकलीफ ही देती रही। तुम्हें जो चाहिए वो मैं अब तुम्हें नहीं दे सकती। जो बांस गिरा होता है उसके टुकड़े शार्प हो जाते हैं। ये टुकड़ा फिर मीन की बॉडी में सुइन निकालती है और अपने आप को इससे काट देती है। अब जो मीन का भूत है ये फिर से बॉडी में नहीं घुस पाएगा। मीन का फ्रेंड चीखें सुनकर वहां आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल दिखाया गया है। मीन के बॉडी में जो सुइन है यह बच चुकी है। जो मदर है ये हॉस्पिटल में है। उसका फ्रेंड उसे कहता है तुम्हारे फादर के जाने के बाद तुम्हारी मदर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लग गई, इसी वजह से इसकी हालत खराब हो चुकी है। इसे लगता है कि मीन बहुत ही डिप्रेस्ड है, इसे गले लगा लेता है। वो कहता है कि हमेशा तुम्हारे साथ ही मैं रहूंगा। मीन की बॉडी में सुइन भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। हमें दिखता है कि सुइन अपने मदर को मिलने जाती है। वो क्या कर रही है वो देखती है और वहां से जाते हुए हमें दिखती है। अब हमें सुइन की मदर उसे देखते हुए दिखती है और ये बहुत ही क्रीपी तरीके से इसे देख रही है। इसका मतलब है मीन का जो घोस्ट है ये अब सुइन की मदर में घुस गया है। इसे एक क्रीपी नोट पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।